Sony Live. We live to entertain. Download the app. Latest episodes देखने के लिए Sony Live app download करें. Sony Live. We live to entertain. विजय को मैंने मरवाया था? मैंने? मार तो हर रोज मैं खाती थी साहब. शायद यही वजह थी मरवाने की. विजय के बिना कैसे जिंदगी बिताई है मैंने, आप क्या समझेंगे? बेटी मानसी के साथ साथ उसके माँ बाप को भी मैं ही संभाल रही हूँ. पांच पांच घरों में काम करती हूँ और आप मुझ पे शक कर रहे हैं. ओमकार प्रसाद और रतन राव दोनों फरार. मर्डर केस में दोनों जमानत पर थे, पर तुमने क्यों नहीं की? हमें पता तक नहीं लगने दिया. मुझे भी आज ही पता चला है और ओमकार और रतन जेल जा चुके हैं. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो तो विजय के अच्छे दोस्त थे. कितनी मदद की थी उन्होंने मेरी विजय को ढूंढने में. सब नाटक जो डेढ़ साल तक अच्छी तरह चला. पूरे चांसेस हैं कि रतन राव और ओमकार प्रसाद ने विजय को या फिर नीलेश दोनों का मर्डर किया. बाकी दो कौन थे? मुझे कैसे पता होगा साहब? क्योंकि शायद तुम पांचवी हो. ओमकार यहीं मागी हली में था जब हम विजय के कत्ल की पूछताछ के लिए तुम तक पहुंचे. तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया और वो फरार हो गए. जख्म पे नमक मत रगड़ो साहब, मेरी छोटी बच्ची है. अभी तक मैंने उम्मीद नहीं हारी थी, हर रोज राह देखती थी. आज आएगा विजय, कल आएगा विजय. और रतन और ओमकार के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था. और अगर वाकई में उन्होंने विजय का खून किया है तो सबसे पहले मुझे पूछना है क्यों. रतन राव और ओमकार प्रसाद 2 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे निखिल बारगी नाम के एक आदमी के मर्डर में. धवल, तुमने फोन पर कहा था कि मर्डर का मास्टरमाइंड अभी तक तुम्हारी कस्टडी में है. संदीप दीक्षित नाम है उसका. संदीप को अभी तक बेल नहीं मिली और इस संदीप का विक्टिम निखिल बारगी की वाइफ स्मृति बारगी के साथ अफेयर चल रहा था. संदीप और स्मृति ने मिलकर साजिश रची थी निखिल के मर्डर की. इन्होंने इस कत्ल को चोरी का एंगल देने की कोशिश की थी लेकिन हमें दाल में कुछ काला लगा. निखिल की पत्नी स्मृति साफ साफ हमारी मुख्य संदिग्ध थी और वो कन्फेस भी कर गई थी कि उसने अपने प्रेमी संदीप के साथ मिलकर निखिल का मर्डर करवाया. संदीप को तोड़ा तो उसने खुलासा किया कि उसने रतन राव और ओमकार प्रसाद को सुपारी दी थी निखिल बारगी के खात्मे के लिए. हमें कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला कि आप लोग रतन राव की तलाश में. धवल, मुझे संदीप से क्वेश्चन करनी है. इस बार हम 2009 के एक्सीडेंट केसेस में सीधे सीधे मर्डर केस ढूंढ रहे थे. एक ऐसा केस जहां जिंदा आदमी को या उसकी लाश को रेल की पटरी पर इस कदर लटाया गया हो जिससे वो एक एक्सीडेंट केस लगे. और हम चौंक गए जब हमारी सोची गई मोडस ऑपरेंडी दरअसल एक असलियत साबित हो. मर्डर को एक्सीडेंट बनाने का यह तरीका बाकायदा अपनाया गया. कि अब हम ये मानकर चल सकते हैं कि 2009 में दयानंद मालगी का भी कत्ल हुआ हो जैसे 2010 में नीलेश का और 2015 में नीलेश के छोटे भाई विजय कोटियन का. पूरे चांसेस हैं सर, क्योंकि तीनों ही केसेस में बॉडीज अरुणापुरम और हिमगुड़ी के बीच के ट्रैक पर ही मिली थी. लेकिन एक बात खटक रही है सर, तीनों ही केसेस में अलग अलग जीआरपी ऑफिसर्स थे. तीनों ही केसेस में बॉडीज को ट्रैक पर इस तरह से प्लेस किया गया है ताकि उनके चेहरे बिगड़ जाएं. ऊपर से ये तीनों विक्टिम्स ड्रंक थे सर. अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों में से किसी भी केस में पोस्टमार्टम के बाद भी इस मोडस ऑपरेंडी को क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया. शायद इसलिए क्योंकि तीनों ही केसेस को बारीकी से ऑब्जर्व नहीं किया गया. अक्सर लोग नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर चलते हुए इसी तरह मारे जाते हैं, इसलिए शायद तीनों मर्डर्स को एक्सीडेंट केसेस मान लिया गया. और ऊपर से तीनों वारदातें अलग अलग वक्त पे हुई, 2009, 2010 और 2015. शायद इसलिए पैटर्न किसी की पकड़ में नहीं है. अंजलि कविता को लेकर आ रही है सर. इस कविता की ग्रिलिंग करते हैं तगड़े. वही एक लिंक है इस दयानंद मालगी और नीलेश कोटियान के बीच. जी,
ये मेरे पति दयानंद मालगी हैं। 14 जुलाई 2009 तारीख सही है? जी, हम दोनों पूरा दिन साइट पर काम कर रहे थे। शाम को मैं घर चली गई और रोज की तरह पीने चले गए। 9 नवंबर 2015 को विजय को क्या कहकर बुलाया कि तुम लोग मिलकर पद्माकर को मारोगे? हाँ साहब, मैं विजय को बोला कि ओमकार पद्माकर को पिला के पूरा टून कर देगा, उसके बाद अपन वहां पहुंचेंगे और मार देंगे पद्माकर को। मैं किसी का खून करने जा रहा हूं। चल। हाँ चल विजय, अभी पद्माकर फुल टाइट हो गया होगा पी के, वो ओमकार ने खूब पिलाया होगा उसे। मेरे नीलेश अन्ना को मारा तूने उस कविता के लिए ना? हाँ, हालांकि मारने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, जैसे कि तुझे भी मारने का दिल नहीं है, पर क्या कर, मजबूरी है। तूने मुंह नहीं फाड़ा होता ना तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 5 साल बीत चुके थे यार, सब कुछ सेटल था, क्यों बोला तू? भाई माफ कर दे यार पद्माकर, दिल से माफी मांग रहा हूं, गलती हो गई थी यार। जैसा कि आपको बोला साहब, नीलेश और विजय को हम चारों ने मिलकर मार डाला, पर 2009 वाले मर्डर में मैं शामिल नहीं था सब। अभी कुछ टाइम पहले ये जो निखिल मार्गी का मर्डर किया तुम दोनों ने, ओमकार और तूने मिलकर, इसके अलावा और कितने सुपारियां ले चुके हो तुम दोनों आज तक? जो जो किया सब बता दिया, उसके अलावा कभी कुछ नहीं किया हमने। क्या लगा उसे कि दयानंद और नीलेश को मार के वो मुझे हासिल कर लेगा? कविता के प्यार में मैंने दयानंद को मार डाला, फिर मुझे नीलेश के बारे में पता चला, दिमाग सुन पड़ गया साहब। ये सच है पद्माकर, कविता अब नीलेश के प्यार में, शायद इसीलिए कविता तुम्हें मना कर रही होगी। क्या हुआ, कुछ पता चला? उसकी पड़ोसन मिली थी मुझे, नफीसा। क्या बोली वो, कहाँ गई है कविता? वो बोली कि कविता कहीं चली गई है, पूरे मोहल्ले में किसी को पता नहीं है। नफीसा से उसका नंबर लिया, लेकिन वो बोली कि नंबर बदल गया है और जो पुराना वाला नंबर है वो बंद आ रहा है। दयानंद और नीलेश को मैंने एक मकसद से मारा था, कविता को हासिल करने के लिए, लेकिन कविता ही मुझे ठुकरा कर चली गई। उसके बाद मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं रहा, एक कार्तिक की एक गलती की वजह से मेरी जान को खतरा था। साहब अगर मैं विजय को नहीं मारता तो विजय मुझे मार डालता। ये लोगों को जान से मारकर रेल की पटरी पर चेहरा बिगाड़ना कब से चल रहा? दयानंद पहला था साहब, उससे पहले मैंने जिंदगी में एक मक्खी तक नहीं मारी थी। सीधे सीधे बोल, कितने? सीधे सीधे बोल रहा हूं साहब, दयानंद, नीलेश और विजय, मैं कविता की कसम खा के बोल रहा हूं साहब। कविता इस सब के बारे में पहले से जानती थी ना? नहीं साहब, उसको तो रत्ती भर की खबर नहीं थी। क्यों वे जी, तू आज तूने मुझे सामने से बुलाया, क्या हुआ? ये ले रख,
ईमानदारी से इनाम का आधा हिस्सा दे रहा हूँ। वैसे तू आदमी काम का है। वो तो मैं हूँ, पर कोई मानता ही नहीं। कोई नई खबर है ना तो फोन घुमाना, ठीक है? कहा लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।